और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त यूपी के मथुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम किया है, नेशनल हाईवे 2 को जाम किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मथुरा से, जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, नेशनल हाईवे 2 को जाम किया गया है। क्यों ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इनकी मांगे क्या है, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां पे किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया है। और इस वक्त हम समझेंगे वहां पर हो क्या रहा है अपने संवाददाता से भी, लेकिन अभी आपको बता दें, अभी जो जानकारी मिल रही है, किसानों ने नेशनल हाईवे 2 पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है मथुरा में, किसानों का ये विरोध प्रदर्शन। इसकी वजह क्या है, ये भी हम जानेंगे। विपेंद्र हमारे साथ है। विपेंद्र, किन बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है? जी सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज योगा दिवस है, पूरी विश्व में योगा दिवस मनाया है। साथ ही साथ जो किसान की जो समस्या है उनको लेकर के यहाँ पे कुछ किसान है, उन्होंने NH-2 को यहाँ पर जाम कर दिया था। अभी आला अधिकारी वहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और कुछ किसानों को राहत मिल लिया है। उन किसानों का कहना साफ तौर पर है कि किसानों के साथ में जो सरकार की तरफ से जो खामियां अपनाई जा रही है वो ना अपनाए, उसके लिए किसानों की तरफ ध्यान दें। कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो किसानों की अनुरूप हो रही है, किसानों की तरफ जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार वो ध्यान नहीं दे रही है इन बात और कई समस्या। ये विरोध प्रदर्शन पहले से डिसाइडेड था या अचानक हुआ? जी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आज योगा दिवस है तो कुछ किसानों ने प्लानिंग पहले ही तय कर रखी थी कि योगा दिवस पे हम जो सरकार का विरोध करेंगे और जो भी हाईवे है उनको ब्लॉक करके उनको अपनी जो मांग है उन सरकार तक पहुंचाने की बात रखेंगे। इस तरह की उनकी प्लानिंग कल से ही हो रही थी, लेकिन जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी है उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था। जैसे ही उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने तुरंत जो किसान है उनको हिरासत में लिया है। अभी जानकारी देने के लिए विपेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त अधिकारी पहुंच चुके हैं इन किसानों को मनाने के लिए। तो किसानों के अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है अनदेखी का, और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है मथुरा में। तो वहीं यूपी के बाराबंकी में भी किसानों का प्रदर्शन